सरकार के गठन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक है और कुछ ही देर बाद यह बैठक शुरू हो जाएगी। उससे पहले रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री और ऑब्जर्वर पहुंच चुके हैं यूटी गेस्ट हाउस, यहां पर पहुंचना था उनको। इससे पहले निर्मला सीतारमण को आना था लेकिन वो नहीं आ पाई, उनकी जगह अब ऑब्जर्वर के तौर पर आए हैं रविशंकर प्रसाद। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी विधायक दल की बैठक। 11 बजे का समय था और 11:02 होने को है और अब ये जो बैठक है वो शुरू होने ही वाली है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूटी गेस्ट हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक अब शुरू होने ही वाले हैं। विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं रविशंकर प्रसाद, जिनको ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा एक और ऑब्जर्वर है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है अरुण, वो भी पहुंचे हैं। और सीएम मनोहर लाल पहले इस बैठक में पहुंच चुके हैं, तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। सुभाष बराला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो भी बैठक में पहुंच चुके हैं। जो बीजेपी के विधायक हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा है, वो भी पहुंच चुके हैं और अब बस कुछ ही देर बाद इस बैठक को शुरू करने की जो प्रक्रिया वो यहाँ पर करेंगे। ऑब्जर्वर भी जो यहाँ पर आए हैं वो भी फीडबैक लेंगे और औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूटी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, विधायक दल का नेता चुनने का काम होगा कुछ ही देर बाद। और 11 बजे का समय था और 11:03 होने को हैं और किसी भी वक्त ये बैठक शुरू हो सकती है। इस बैठक को लेकर तमाम अपडेट बताएंगे आपको। तस्वीरें आप देख लीजिए रविशंकर प्रसाद की, कानून मंत्री की, जो ऑब्जर्वर है फिलहाल, ऑब्जर्वर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, इसलिए चंडीगढ़ उन्हें आना पड़ा। पहले निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं उनको आना था, लेकिन आज खबर अभी तक ने आपको अपडेट दी थी, सबसे पहले बताया था कि निर्मला सीतारमण नहीं आ रही, उनकी जगह रविशंकर प्रसाद आज आ रहे हैं पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने के लिए, यहां पर फीडबैक देने के लिए। अब यहीं से जो समय है वो शुरू हो जाता है कि कब तक ये बैठक चलेगी, बैठक के बाद क्या नतीजा सामने आएगा, क्या क्या इस बैठक में होगा और क्या क्या बातें निकलकर सामने आएगी, तमाम चीजें आपके सामने खबरें अब तक रखेगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पल पल की अपडेट और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम।